नीतीश कुमार के बिहार का सरकारी स्कूल जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख लें बाहर का व्यवस्था, आप इस तरफ आ जाएं, देख लें किस तरह से जो है बिल्कुल टूटा फूटा है। छप्पर तक जो है टूट गया है और छप्पर भी नीचे गिर रहा है। क्या हाल है, चारों तरफ आपको खपरा और छप्पर ही दिखेंगे। ये जो है सरकारी स्कूल का ये बाथरूम आप एक बार देख लें। शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं खेतान मार्केट के पास। आपको बता दें कि बड़े बड़े दावे होते हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षक ज़्यादा हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाने पाने पीने का दिक्कतें नहीं होती है, मगर आपको हम दिखा रहे हैं आज सरकारी स्कूल का व्यवस्था। ये जो सरकारी स्कूल है आप देख सकते हैं, ये इसका गेट है, ये बांस का गेट लगा हुआ है, फट्टी का गेट लगा हुआ है। बड़े बड़े वादे होते हैं मगर ये गेट आप देख लें, यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इस स्कूल की व्यवस्था क्या है। अब जिस तरह से धीरे धीरे आप अंदर आएंगे तो आप देख लें, ये क्लासरूम हुआ करता था। आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल टूट चुका है, हर तरफ आपको बेंच जो है बिखरे हुए नज़र आएंगे, शायद लोहा जो है वो सड़ चुका है। और आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ छप्पर तक जो है टूट गया है और छप्पर भी नीचे गिर रहा है। आप, ये है नीतीश कुमार के सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो कि खेतान मार्केट के पास है। आप देख लें क्या हाल है, चारों तरफ आपको खपरा और छप्पर ही दिखेंगे। चारों तरफ जो है स्कूल का व्यवस्था यही आपको दिखेगा। अंदर पढ़ाई हो रही है, अंदर तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि अंदर टीचर हैं, अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं। आप देख लें बाहर का व्यवस्था, आप इस तरफ आ जाएं, देख लें किस तरह से जो है बिल्कुल टूटा फूटा है। ये शायद शौचालय है स्कूल का, इसका भी जो है आपको हम दिखा रहे हैं। अब देख लें किस तरह से ये स्कूल का व्यवस्था है, चारों तरफ जो है टूट चुकी है, हर चीज़ टूटी हुई है। और आप यहाँ भी देख लें, ये बिल्कुल आपको जो है, ये जो है सरकारी स्कूल का ये बाथरूम है, ये बाथरूम आप एक बार देख लें, बाथरूम देख लें किस तरह से बाथरूम जो है टूटा फूटा है। एक बाथरूम इधर भी है, इसको भी आप देख लें, बिल्कुल टूटा फूटा है, बिल्कुल जंगल झाड़ हो चुका है यहाँ पर। मतलब ये हाल है कि अगर कोई आएगा तो उसको आने में भी डर लगेगा। गंदगी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस गंदगी के बीच जो है सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। ये आपको खेतान मार्केट के सामने में है, अंदर क्लासेस चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और एक तरफ आपको हम व्यवस्था भी दिखा रहे हैं कि देख लें, ये जो है यहाँ देखिए खाना बनता है, बच्चों का मेज़ है ये, यहाँ बच्चों का खाना भी बनता है। आप देख सकते हैं स्कूल की बुआ हैं जो खाना बना रही हैं, और यहाँ पर जो है बच्चों की पढ़ाई चल रही है। अंदर की भी व्यवस्था कोई ख़ास नहीं है, एक सिर्फ सिंपल सा रूम है, इसके अलावा जो है यहाँ कुछ है नहीं। टीचर हैं जो अपना काम कर रहे हैं, बच्चे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, बच्चे का काम है पढ़ना, टीचर का काम है पढ़ाना, जो टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी आप हाल देख लें, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है स्कूल का जो है, पूरा हाल जो है बिल्कुल जर्जर हो चुका है। ये कहने का सिर्फ स्कूल है मगर ये जो है सरकारी स्कूल दिखता है नहीं, पूरे छप्पर गिर चुके हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये भी बाथरूम था, इधर आओ, ये भी बाथरूम है स्कूल। हाँ हाँ बाथरूम है, ये भी पूरा टूटा हुआ है। हाँ देखिए, ये बाथरूम का व्यवस्था देख लीजिए किस तरह से। आपको यहाँ पे पानी टंकी ज़रूर है ऊपर लगा हुआ, मगर आप व्यवस्था देख सकते हैं बिल्कुल तरह से टूटा फूटा है। ये है नीतीश कुमार के बिहार का सरकारी स्कूल जो हम आपको दिखा रहे हैं। इधर बच्चों से भी बात करते हैं, इसी स्कूल के बच्चे हैं। क्या हाल है स्कूल का? स्कूल का तो अभी बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल है। हाँ, लेकिन यहाँ के मैम टीचर ये सब तो सही हैं, पढ़ाते तो हैं। हाँ। यहाँ का स्कूल के चलते हल्का दिक्कत हो रहा है, स्कूल के चलते दिक्कत। हाँ। हो रहा है। अब ये जो टूटा फूटा है बिल्कुल। हाँ, अब तो क्या करिएगा, अब जब सड़ गया तो टूटी भी ना करेगा। और एक तो जो क्लास है जिसमें पूरा बेंच उंच रखा हुआ है, पूरा लोहा उसका सड़ रहा है। हाँ, तो क्या ची करेगी वो? क्या बोला, इधर आओ। सब बेच रहा है। कौन बेच रहा है? मैम। सब कुछ बेच रहा है। हाँ। बाथरूम सब टूटा हुआ है, बाथरूम लगता है तो कहाँ जाते हो? बाथरूम लगता है हम लोग जाते हैं खेतान में।
खेतान में, मतलब स्कूल यहाँ जाते हो खेतान में? हाँ, पानी लाने भी वहीं पे जाना पड़ता है। पानी पीने का व्यवस्था नहीं है? कौन से क्लास तक यहाँ चलता है? व्यवस्था, लेकिन कभी कभी जो लाइन कट जाता है, यही दिक्कत होता है, यही से वहाँ पे जाना पड़ता है। यही देखा था। और ये कौन से कौन क्लास तक चलता है यहाँ? 1 से लेके 8 तक है। 1 से लेके 8 तक चलता है। और खाली पढ़ाई लिखाई में परेशानी कुछ नहीं? पढ़ाई लिखाई मेन वही है कि जो व्यवस्था है वो ठीक हो जाना चाहिए। हाँ, और वो ऊपर से कुछ हल्का सा दरार आ गया, वही पानी हल्का हल्का आ जाता है नीचे। पानी भी चूता? हाँ, स्कूल में। हाँ, जिसमें क्लास हो रहा है। हाँ, हल्का फुल्का पानी चूता है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों का भी साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे जो क्लास में दरार आ गया है जिसके वजह से पानी चूता है, अब देख लें क्या व्यवस्था है इस स्कूल का। अब यहाँ पे बाहर ही की तरफ मैम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप 2 मिनट आपसे बात कर सकता? तो यहाँ पे स्कूल की टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, हालांकि पढ़ाने में कमी नहीं है, जैसा कि बच्चों ने भी बोला है कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं। व्यवस्था मैम ठीक नहीं है स्कूल का, मतलब पूरा टूट फूट गया है। जी हाँ। तो क्या लगता है इसमें सरकार को कुछ देखना चाहिए व्यवस्था में? हाँ, क्योंकि बच्चे आते हैं छोटे छोटे हैं। हाँ। और जिस तरह से बारिश का माहौल है, कभी भी छत गिर सकता है। ज्यादा बारिश होता है तो हम लोग बच्चे को छोड़ देते हैं। बच्चे को छोड़ देते, छुट्टी कर देते हैं आप लोग? मतलब क्लास में भी पानी वगैरह चूता है? हाँ, बहुत चूता है छत से। और हम देखा कि बाथरूम वगैरह भी बिल्कुल उधर टूटा हुआ है और गंदगी बहुत ज्यादा है। इधर बाथरूम हम लोग का, गंदगी भी बहुत ज्यादा है। गंदगी ये सब साफ में रहता है? नगर निगम आता है टाइम पर साफ करने के लिए? नहीं, हम लोग तो यहाँ पर नगर निगम नहीं आता है। खुद करते हैं आप लोग? नहीं, खिचड़ी वाली करती हैं। खिचड़ी जो खाना बनाते हैं यहाँ, वही करती हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं स्कूल में? बच्चे 59 बच्चे हैं अभी। 59 बच्चे? कौन से क्लास तक के हैं मैम? 1 से 8। 1 से 8 तक के हैं? जी हाँ। आप क्लास वगैरह पूरा प्रॉपर चलता है? जी हाँ, पूरा चलता है। पूरा चलता है। सिर्फ व्यवस्था थोड़ा और ठीक हो जाए। हाँ। तो बच्चे और अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग को भी आराम मिलेगा। आराम मिलेगा। ऐसे ब्लैक बोर्ड वगैरह सब चीज़ मिला हुआ है? हाँ, ब्लैक बोर्ड है, टोटल चीज़ मिला। सरकारी सुविधा जो आप लोग को मिलनी चाहिए वो सारी चीज़ें मिल रही है? जी हाँ। बस खाली कमी है तो वही थोड़ा साफ कमरा का है, कमरा बच्चे का बैठने का है। कमरा बैठने का है। कभी कोई मतलब उच्च अधिकारी आए हैं आप लोग, उनसे बात किया है कि मतलब इसको थोड़ा सरकारी स्कूल है तो थोड़ा इसको ढंग से चलाना चाहिए और अच्छे? हाँ। से कभी बात किया है? तो उधर से क्या बोला जाता? बोला कि ठीक है करवा देंगे। करवा देंगे, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो देखिए, हमारे साथ स्कूल की मैम थी, इनका भी साफ तौर पर कहना है कि थोड़ा व्यवस्था जो है वो और ठीक होना चाहिए। जो आप गंदगी देख सकते हैं, गंदगी साफ करने के लिए कोई नहीं आता है, सरकारी स्कूल है। नीतीश कुमार जो है और शिक्षा विभाग की टीम जो है बड़ी बड़ी दावा करती है कि बिहार में सरकारी स्कूल में ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। यहाँ तक ये हाल है कि यहाँ बांस की फट्टी का गेट है। और ये आपको बता दें कि पटना के खेतान मार्केट के पास है, जो खेतान मार्केट का सामने जो गेट आता है उसी के अंदर है, मगर आप देख सकते हैं व्यवस्था काफ़ी जो है बेकार हो चुकी है यहाँ की। पुराना बाथरूम भी था जो टूट चुका है, नया बाथरूम बना है। आप देख लें, खुद आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। और इसी तरह की खबरों के साथ हम हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत